चीपेस्ट स्मार्टफोन जिसमें आपको IP67 का सर्टिफिकेशन मिलता है, यानी कि अगर आपको वाटर प्रूफ फोन चाहिए तो सैमसंग से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होता है। वेलकम बैक गाइस, आज मैं गैलेक्सी A34 की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है। एंड बाय द वे गाइस, आज के इस टेस्ट में हम कुछ फुटेज गैलेक्सी S21 FE से भी लेंगे। इस फोन को मैं काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं ऑकेजनली ऐसे टेस्ट परफॉर्म करता रहता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि बैटरी कैमरा सारी चीज़ें परफेक्ट है कि नहीं है। एनीवेज, ये फोन काफ़ी कमाल का। स्टे ट्यून फॉर दी लॉन्गेस्ट टर्म रिव्यू कमिंग वेरी सून। थ्री टू वन। आई होप गाइस आपको लिक्विड टेस्ट अच्छा लगा होगा। वैसे हमने एकदम रियलिस्टिक नहीं किया है, अराउंड 100 लीटर्स ऑफ वाटर लिया था। 30 मिनट के लिए हमने डीप टेस्ट परफॉर्म किया एंड आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सैमसंग के फ़ोन अभी तक सुपर निकले हैं व्हेन इट कम्स टू द वाटर प्रोटेक्शन। एंड एज यू कैन सी इन साइड जरा सा भी लिक्विड नहीं है, कम्प्लीटली ड्राई सिम ट्रे है। वैसे ये A54 था, मैंने इसको भी A34 के साथ में चिपका दिया, क्या ही फ़र्क पड़ता है। आगे हम उसका भी टेस्ट देखने वाले हैं और यहाँ पे भी सिम ट्रे कम्प्लीटली ड्राई है, नो प्रॉब्लम, एंड फोन भी प्रॉपरली वर्किंग है। A34 लोअर इन मॉडल है, लोवेस्ट नहीं है, A24 भी आने वाला है। फिलहाल यहाँ पे कम्प्लीटली प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड है, लाइक बटन्स, ये कैमरा फिन होपफुली मेटल का होना चाहिए एंड फ्रेम भी शायद प्लास्टिक का होना चाहिए। लेट्स फाइंड इट। प्लास्टिक फ्रेम है एज एक्सपेक्टेड, जिस भी कलर का आप फोन लेंगे उससे मैचिंग यहाँ पे आपको इनसाइड मिल रहा है। सो ये बेस्ट पार्ट है, अगर माइनर स्क्रैच लग भी जाते हैं तो वो ईजिली विजिबल नहीं होने वाले हैं। ऑफ कोर्स नो हेडफोन जैक, लेकिन गुड पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है, दैट्स अ कूल पार्ट। आई थिंक अब मैं गैलेक्सी S9 का SD कार्ड यहाँ पे फिर से यूज़ कर सकता हूँ। ऑन द टॉप नॉइस कैंसिलेशन माइक, लेट्स ट्राई विद द बटन। बटन्स प्लास्टिक के हैं जैसा एक्सपेक्टेड है। गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के बटन्स तो काफ़ी ईजिली बाहर आ गए थे एंड आई थिंक यहाँ पे भी अब बाहर ही आ जाएंगे। लेकिन काफ़ी कूल हैं इनसाइड्स, ये येलो कलर के हैं। अब ये हो गया पोर्टलेस, अब इसको मैं बंद कहाँ से करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, बटन तो हमने निकाल दिया। स्ट्रेंज, अब ये ऐसे ही काम करेगा। एंड हाउ अबाउट दी बैक पैनल, होपफुली ये भी प्लास्टिक का ही होना चाहिए। बैक पैनल यहाँ पे कम्प्लीटली प्लास्टिक का है। एक ड्रॉबैक ये होती है प्लास्टिक और इवेंचुअली ग्लास के पैनल में कि बैटरी के ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है। इवेंचुअली इन केस ऑफ माइनर मेजर एक्सीडेंट, अगर कोई शार्प मेटल ऑब्जेक्ट यहाँ से अंदर पियर्स कर जाता है तो बैटरी एक्सप्लोड हो सकती है। एंड फॉर योर रेफरेंस, ये Realme 6 है। इस फोन ने फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम मैंने देखा था कि बैटरी के ऊपर एक स्टेनलेस स्टील की प्रोटेक्शन लेयर लगाई गई थी, इन केस ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है तो शायद आपके फ़ोन की बैटरी डैमेज और पंक्चर नहीं होगी। हाउ अबाउट दी
कैमरा लेंस आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया था ये मेटल का ही होना चाहिए एंड ये एल्युमिनियम का है और उस पर एक फाइन पेंट जॉब है ताकि वो बैक पैनल पे मिक्स हो जाए। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि बैक पैनल प्लास्टिक का है कि ग्लास का है। एक छोटा सा आपको प्रो टिप देता हूँ, अगर एलईडी फ्लैश सेपरेटली कट है पैनल से दैट मीन्स वहाँ पे प्लास्टिक का पैनल होता है। ग्लास में एलईडी फ्लैश प्रॉपरली वहाँ पे मिक्स होती है दैट मीन्स उस पैनल के इनसाइड से होती है। लास्ट ईयर से आपने एक न्यू डिज़ाइन ट्रेंड देखा होगा फॉर द ईयर पीस। अब ईयर पीस डिस्प्ले में इट सेल्फ कट होके आते हैं राधर देन एक सेपरेट मैश स्ट्रक्चर होने के। तो यहाँ पे भी ईयर पीस की ओपनिंग काफ़ी टाइनी है एंड एनी ऑफ दी जनरल पर्पज ऑफ इट जैसे कि कीज एंड क्वाइंस इंक्लूडिंग ए शार्प रेजर नाइफ ये भी इसको डैमेज नहीं कर पा रही है। तो कॉलिंग क्वालिटी एंड स्पीकर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि डस्ट ऑकेशनली सेट हो जाती है वो प्रॉब्लम यहाँ पे अब फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक्सीडेंटली सिम ट्रे बेंड भी कर देते हैं तो नो सच प्रॉब्लम। एक बहुत फाइन सा डैमेज है बट सिम एंड एसडी कार्ड प्रॉपरली फिट भी होना चाहिए जस्ट लाइक दैट। लेट्स चेक आउट द ग्लास क्वालिटी ऑन द डिस्प्ले। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज किया गया है एज क्लीन बाय द सैमसंग एंड ऑल्सो स्क्रैच के पैटर्न आप जानते हैं यूजिंग मोस्ट स्किल्स ऑफ हार्डनेस टिल द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। लेवल 6 पे फाइन हेल एंड स्क्रैचेस हैं एंड 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स कॉमन ऑब्जेक्ट लाइक कीज एंड क्वाइंस आपके इस डिस्प्ले को स्क्रैच नहीं करेगा इंक्लूडिंग अ शार्प रिजर नाइफ ऑल्सो बट डस्ट एंड सैंड से ऑफ कोर्स इस डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है। तो स्क्रैच के टर्म में डिस्प्ले अच्छा है बट स्टिल ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज अ गुड स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड टेम्पर ग्लास। टाइम फॉर द बर्न टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट और फायर गंगेज में कैसे रिएक्ट करता है। That's super impressive. काफ़ी हैवी बर्न करने के बाद भी आई थिंक अराउंड 22 सेकेंड बर्न करने के बाद भी बहुत माइनर से यहाँ पे डैमेज नज़र आ रहा है। आई मीन येस ऑफकोर्स गाइस थोड़ा सा तो नज़र आएगा ही बिकॉज इट्स एमोलेड, बट आप देख सकते हैं कि काफ़ी फाइन बर्न यहाँ पे है इवन आफ्टर 22 सेकेंड। और जो फोन हमने देखे हैं वो 8, 9 और 12 सेकेंड में ऑन एन एवरेज परमानेंट से बर्न मार्क रह जाता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा मेजर डैमेज नज़र नहीं आ रहा है। सो अगेंस्ट द एक्सट्रीम हीट एंड फायर ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, काफ़ी सॉलिड फोन है एंड आई डोंट थिंक सो कि इस फोन में कोई ऐसे इश्यूज आने चाहिए। सैमसंग के फोन का ट्रैक रिकॉर्ड बैंड के टर्म में भी काफ़ी अच्छा है जब से ये मॉडर्न डिज़ाइन यूज़ किया गया। यहाँ पे चेसिस काफ़ी थिक से फील हो रही है। स्टिल मटेरियल की क्वालिटी टेस्ट करते हैं, ड्यूरेबिलिटी फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बैंड करते हैं इन 3, 2, 1। नोप, कोई ऐसा डैमेज नहीं फील हो रहा है। सुपर सॉलिड, टूट नहीं टूट रहा है एंड लेट्स ट्राई फ्रॉम द बैक साइड इन 3, 2, 1। नोप, किसी को ताकत आजमाए नहीं तो आ जाओ तोड़ के देख लो। एनीवन इंटरेस्टेड, एनी वॉलंटियर, कोई तोड़ना चाहता है आ जाओ, मोस्ट वेलकम। आज गाइस हम किसी और से फोन बैंड कराते हैं, चलो ट्राई करो। टूटेगा कैसे, सैमसंग तुमको तोड़ देगा अगर टूट गया तो। तोड़ पाए तुम, तुम्हें तोड़ना है? आओ जिम मास्टर आ जाओ, आज तुम भी चुल मिटा लेना कि आज हमने भी फोन तोड़ा। चलो 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 तोड़ो, चल लगाओ तोड़ो, रुकना नहीं, तोड़ो तोड़ो चलो। क्या क्या एनर्जी बटोर के तोड़ोगे क्या? बस बस बस, टूटा कहाँ टूटा, डिस्प्ले टूटा फिर से? डिस्प्ले टूटा नहीं, टूटा नहीं। अब देखो आगे से नहीं बेंड करना होता है, सेंटर पे फोर्स लगाना होता है, वहां से करोगे तो लगाओ, पीछे से करो, तुम आगे से तुम बोलिए ना, पीछे से करो। देखो उंगली दर्द करती, फिर ये ना कहना एडिटिंग में दर्द कर रहा है।
अब रहने दो भूखे, चल बहुत दम लगा लिए, तुम ज़्यादा चिकन खाने की जरूरत है। काफ़ी कोशिश गाइस हमने, मैंने तो ट्राई किया ही किया, दो जिम वाले गाय ने भी ट्राई किया जो रोज़ 2-3 घंटे चिकन खा के जिम करते हैं, उन लोगों से भी नहीं टूटा। दैट मीन्स ये फोन काफ़ी सुपर सॉलिड है फॉर दी बेंड एंड ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी। लेट्स वेट फॉर दी ड्रॉप टेस्ट इन दी अपकमिंग मेगा ड्रॉप टेस्ट, क्या होता है इस फोन के साथ में, एंड सी यू वेरी सून।